ईटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम ईटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। जिला लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ के अंतर्गत ग्राम पंचायत जलालपुर में आपसी कहासुनी के बाद पति पत्नी ने लगाई फांसी। पत्नी रिंकी देवी की हुई मौत। मृतक रिंकी देवी की उम्र लगभग 30 साल है। पत्नी संत कुमार कुंडे में झूलता मिला। जानकारी मिलते ही आसपास वालों ने घर जाके देखा तो पत्नी की सांसें चल रही थी। पत्नी को जिला अस्पताल रेफर किया गया। ससुराल पक्ष का आरोप है कि लड़की को लड़के के घर वालों ने मारा है। मौके पर पहुंचे सीओ अजय प्रताप सिंह, एसओ भानु प्रताप सिंह, एसआई विनोद कुमार सहित ऑल स्टॉप मौजूद थे। फोटा कुआं, ये जो मृतक है आपके कौन है? बेटी। क्या मामला था? पूरा पूरा मामला है, जुआ खेलते रहे और जुआ खेल खेल गांव के पैसा देते रहे और पैसा दे दी। अब तब हमारी लौड़ी का जान गवाह है, हमारी बेटे का जान नहीं जाते। खूब पैसा गांव के देने खेत बेची डारी नहीं है, खड़ा खेत तो गेहूं के बेच नहीं है। आपको क्या लगता है इनको मारा गया है? हमारी लागत है हमारी बेटे का मारी डारी नहीं है। हमारी बिटिया फसरी ना, हम लोग आए रहे तो वह पर पहुड़ारी हमें मिली है। प्रथम सूचना मिली है उसमें कि रिंकी पत्नी संत कुमार इनके द्वारा फांसी लगा ली गई है, तो उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जब मौके पर आई है तो वहां पर शव पड़ा हुआ था, तो उसमें अभी पंचायत नामक कार्रवाई हो रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। कि इनके पति संत कुमार उनकी भी स्थिति बताया जा रहा है कि उन्होंने भी फांसी लगाई है, तो उनकी स्थिति भी अभी नाजुक है। सीएससी से उनको लखीमपुर रिफर किया। प्राइमेटिक न्यूज के लिए लखीमपुर खीरी से फराज खान की रिपोर्ट।